हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट कंडीशन। मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग देखने वाले हैं नया मेथड है, ठीक है, जो कि है ली स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा मतलब स्टार्टिंग के स्टेप्स वहाँ तक सेम होंगे, कहाँ तक, वेटेड फंक्शन तक। उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं, तो पहले अपन वापस से उतना स्टेप्स देख लेते हैं, फिर बाद में अपन आगे के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जिसने भी मेरा पहला वीडियो नहीं दिखाया गैलरी के मेथड वाला, वो देख लो, उसमें स्टेप्स बताया मैंने कहाँ तक सेम है, उसके बाद चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ वापस से। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ तो दिया है कि भाई डबल डेरिवेटिव है ये, ठीक है, और फिर 64y + 10 = 0। ठीक है, ये हो गया। अभी कंडीशन दिया है, बाउंड्री कंडीशन, कि जहाँ पर y फंक्शन है जिसके अंदर x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूँ तो y का वैल्यू 0 होगा, और सेम 1 डालूँगा तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा। ठीक है, और फिर ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, x के इतनी ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर मुझे y की क्या वैल्यू मिलेगी, वो अपने को फाइंड करनी है यूजिंग ली स्क्वायर मेथड। अब बेसिकली मुझे पहले क्या बोला था मैंने कि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, तो पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको उतार दो। ठीक है, उतार दिया। अब मैंने क्या बोला था कि अपना अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पर पॉलिनॉमियल का फंक्शन कितना हो जाएगा, पॉलिनॉमियल का डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसलिए अपन ने ऐसा लिखा है 3। अगर यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई होता, डबल डेरिवेटिव नहीं होता, तो क्या आता, सिर्फ इधर स्क्वायर तक आता, पर इधर डबल डेरिवेटिव है इसलिए क्या आया, क्यूब तक आया। समझा, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस 1 by 1 फ्रॉम द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। क्या लिखेंगे हम लोग कि y में क्या ये इक्वेशन में मैं x की वैल्यू अगर 0 डालूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, सीधी बात है। इसलिए मुझे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर C0 की वैल्यू क्या मिली, 0। ठीक है, अभी तो मेरा नया इक्वेशन ऑफ y क्या हो गया भाई, y देखो इस इक्वेशन में मैं C0 की वैल्यू 0 डालूंगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा अभी वापस से, C1x + C2x2 + C3x³ है इधर। ठीक है, ये हो गया। अभी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि y जहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो वापस से मुझे 0 मिलेगा। तो मैंने क्या किया, वापस से x की वैल्यू 1 डाली कुछ इक्वेशन में y वाले, और मुझे कुछ इस तरह से मिला। तो अभी मैं क्या करूँगा, C1 इस तरफ फेंक दूंगा, या तो बाकी चीज़ें इस तरफ फेंक दूंगा, तो क्या मिलेगा, C1 = -C2 - C3। ठीक है, ये मिला। अब ये दोनों जो वैल्यूज मुझे मिली है मैं वापस से वो y की इक्वेशन में फेंक दूंगा। ठीक है, वापस से उस y की इक्वेशन में फेंक दूंगा तो y का नया इक्वेशन मिल जाएगा, C1 की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो उसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा तो कुछ इस तरह दिखेगा। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, और उसका एक और बार डबल डेरिवेटिव लेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। सिंपल है, सॉर्टेड है, इतना करना है आपको, उस बार भी किया था, इस बार भी करना है, दैट्स इट। अब मैंने क्या बोला था कि भाई हम लोग को पता रहता है कि भाई जो अपना क्वेश्चन होता है वो अपना रेसिड्यू होता है। ठीक है, LHS ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, उतना तो अपने को पता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया था, देखो क्वेश्चन ये दिया था, LHS ये है, RHS ये है। तो अपना ये जो इक्वेशन होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपना रेसिड्यू भी होता है। ठीक है, इतना हमेशा याद रखने का। तो ये लिख दिया अपन ने। अब अपने को क्या लिखने का है कि भाई जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें हम लोगों को क्या पता है कि भाई डबल डिफरेंशियल ऑफ वाई उसकी वैल्यू अपने को पता चल गई है, वो पुट करना है यहाँ पर। वाई की वैल्यू पता है क्या, हाँ पता है, ऊपर की वैल्यू नीचे पुट करनी है, और बाकी सब तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो सेम चीज़ें यहाँ पर की अपन ने। अब अपने को लिखना है वी नो दैट द सोल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेट, जिसका मतलब ये है कि जो अपना LHS है, ठीक है, इक्वल टू होता है रेसिड्यू के, और वो नॉट इक्वल होता है जीरो के, मतलब वो कभी जीरो नहीं होगा, क्लोज टू जीरो होगा बट जीरो नहीं होगा। अब हो गया। अभी सिंपल यही चीज़ आपकी R हो गई, तो उसको मैं लिख दूंगा R के जैसे ऐसे, और फिर इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह लिख देंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चेंजेस किया है, ऐसा कैसे लिख दिया है। अब नोट करना है कि भाई इस मेथड में, इन दिस मेथड वेटेड फंक्शन इज गिवन, उसमें क्या था, इंटीग्रेशन करना था, W1 और W2 फाइंड करना था, जो कि अपने को y के इक्वेशन में से मिल जाता था, और फिर उसी को सॉल्व करना था उसी को लेकर। बट इस मेथड में क्या करना है, इन दिस मेथड वेटेड फंक्शन इज गिवन बाय WY = पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द रेसिड्यू फंक्शन, जो कि अपना ये है,
ये रेसिड्यू फंक्शन जो है इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो सी आई के रिस्पेक्ट। सी आई क्या है, पहले जो सी होगा, पहले कौन सा सी है, सी टू है, तो पहले आपको सी टू के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। फिर सी आई बोला है मतलब आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी, जितना सी का वैल्यू होगा उतने बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पर इधर पर क्या है, एक सी टू है एक सी थ्री, तो पहले आप सॉल्व करोगे किसके रिस्पेक्ट में, सी टू के रिस्पेक्ट में, फिर होने के बाद उसका इंटीग्रेशन होने के बाद फिर आप क्या करोगे, सी थ्री के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करोगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, आप समझ जाओगे अभी। पहले क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू वन, डब्ल्यू वन इज इक्वल्स टू पार्शियल इंटीग्रेशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विच इज रेसिड्यू विद रिस्पेक्ट टू सी वन। सी वन क्या है अपना, यहाँ पर सी टू है, सी वन जो बोला है ना यहाँ पर अपना क्या है, सी टू है, पहला सी टू है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है और उसके लिए आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, डब्ल्यू वन है ना, तो अपने को क्या पता है कि इंटीग्रेशन करते हैं जीरो टू वन डब्ल्यू आई आर डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये तो अपने को पता है, ठीक है। अब इसमें अपने डब्ल्यू वन की वैल्यू क्या मिली, ये आर की वैल्यू अपने को पूरा रेसिड्यू फंक्शन मिल गया था पूरा का पूरा, ठीक है, तो वो वैल्यू आपको पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूट करनी है। फिर इन दोनों को आपको कैल्शियम में डाल के आंसर निकालना है, सीधी बात है, कांस्टेंट जो भी रहेगा बाहर उसको कैल्शियम में नहीं लिखते, ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है कैल्शियम में। से आपको क्या करना है, जो चीज़ें देखो बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैल्शियम में सीधी बात है, इसको पहले आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन सबको दे दोगे इंटीग्रेशन, उसके बाद जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर लिखोगे इंटीग्रेशन के पहले, तो ठीक है, उसके बाद जो भी इंटीग्रेशन के अंदर होगा वो चीज़ें इंटीग्रेशन के साथ कैल्शियम में डालोगे और फिर आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहेगा तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना समझ जाओ, मुझे पता है यार इतना तो आ ही जाएगा आपको, ठीक है, नहीं आएगा तो डाउट कुछ नहीं मैं कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ये हो गया, फिर आपको एक ही क्वेश्चन मिल जाएगा। अब सिमिलरली डब्ल्यू टू फाइंड करना, डब्ल्यू टू कैसे मिलेगा आपको, अभी सी टू बोला नहीं था, तो अपने सी टू मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सी थ्री क्या हो गया, सी थ्री के टर्म्स में, तो सी थ्री के टर्म्स में अगर इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो उसके लिए सी टू तो कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, तो ये हो जाएगा, हट जाएगा, ये निकल जाएगा, तो सिर्फ इतना सा बचेगा डेरिवेटिव करने के लिए, ये डेरिवेटिव करोगे तो उसका कुछ इस तरह से वैल्यू मिल जाएगा, मिला। इसके बाद वापस से ऐसे इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में डाल देना है उसको, आर के साथ डाल देना है, वापस से उसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद वापस एक इक्वेशन मिलेगा। आप इन दोनों इक्वेशन जो अपने को मिली है उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, सी टू और सी थ्री की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू मिलने के बाद आपको वाई की जो पहली इक्वेशन थी उसमें पुट करना है। पहली मतलब कौन सी इक्वेशन, तो इसको मैं बता देता हूँ, इस इक्वेशन में आपको पुट करना है वाई की, जिस तरह से आप जैसे उस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट कर दोगे वाई के, सी टू और सी थ्री की, बस उसके बाद आपको जो भी वैल्यूज है, जैसे कि यहाँ पर क्या वाई किसके लिए 0.25, तो वैल्यूज आपको यहाँ पर डालनी है 0.25 हर जगह पर एक्स की जगह पर, बस फिर आपको इस ये वैल्यू मिलेगी, और वैसे 0.5 भी डाल दोगे ये वैल्यू मिलेगी, 0.75 डाल दोगे तो भी ये वैल्यू मिलेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अलग क्या था, इसमें था पार्शियल डेरिवेटिव लेना, दैट्स इट, और फिर बाद में वही फंक्शंस को यूज़ करना और कुछ चेंजेस नहीं था, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, दैट्स इट, ठीक है। तो इसके पहले अपने क्या दिया, गैलेरकिन मेथड देखा और अब देखा है लीस्ट स्क्वायर, इसके बाद कोई और मेथड देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होप सो यार वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लस हमारी वेबसाइट lastfoundation.com को विजिट कर लो, वहाँ पर बहुत सारे नए नए कोर्सेज प्लस उनके नोट्स भी अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।